सो हेलो गाइज़, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप यू आर गुड। तो गाइज़, अभी मैं अपने कज़न्स के घर आई हुई हूँ, यार सबको पता है, लेकिन अभी मैं तैयार व्यार होकर अपने घर चले जाऊँगी, ठीक है। तो अभी मैं उठी थी, सबसे पहले तो अलार्म बजा था तो मैंने वो बंद किया, ठीक है। और मेरी जो दीदी हैं वो वीडियो बना रही थी और उन्होंने ही मुझे उठाया था, और साथ अलार्म भी बन गया बच गया था, ठीक है। और साथ फिर मैं फ़ोन का मैसेज देखने लग गई, फिर दीदी मुझे फ़ोन सेट करके चले गई। मुझे क्या पता था फ़ोन रखा हुआ है, सच में मुझे नहीं पता था फ़ोन रखा हुआ है। फिर उनकी आवाज़ आई, ये फ़ोन रखा हुआ है। मैंने बोला अच्छा, सीरियस में, रियल में? तो फिर मैंने बोला व्लॉग बनाना ज़रूरी है। तो अभी हम सबसे पहले तो पर्दा हटा देते हैं ना कि रोशनी आ जाए। तभी आ चुकी है रोशनी, देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा वेदर हो रहा है, धूप भी निकली हुई है एम्ब्रोज। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है अपने कज़न्स के घर पे, ठीक है। तो अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है अपने कज़न्स के घर पे। तो अभी चलते हैं आगे, सबसे पहले बेड से उतरते हैं और चप्पल पहनते हैं और फिर जाते हैं वॉशरूम फेस वगैरह वॉश करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं वॉशरूम चलते हैं अंदर, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ करूँगी रिवाज का, और ये मैं क्लोज़अप टूथपेस्ट यूज़ करूँगी, और ये है मेरा ब्रश, ठीक है। तो अभी ऑन करते हैं, हमने यह हो चुका है टूथपेस्ट वगैरह। तो अभी मैं हाथ धो रही हूँ और अभी मैं जाऊँगी वॉशरूम से बाहर, देन उसके बाद पानी वानी पीऊँगी, ठीक है, बाल वाल बनाऊँगी, ठीक है। तो अभी मैंने, देख सकते हैं आप लोग, आ चुकी हूँ मैं और अपने हाथ पाथ धो लिए। और अभी मैं देखती हूँ वेदर की सूरत हाल सबसे पहले, तो ठीक है, वेदर की सूरत हाल बड़ी अच्छी हो रही है, मैंने अभी देखी, और धूप भी निकली हुई है, ठीक है, और मतलब अच्छी हो रही है। तभी मैं जाके LED ऑन करती हूँ सबसे पहले, और वो सीनरी जैसे टाइप होता है वो चला देती हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं वो चल चुका है, और ऐसे ये चलाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और इतना अच्छा लगता है ना सच में। तो अभी मैं पीऊँगी, अभी मैं जाके पीऊँगी भर के पानी। तो फिर आपको पता है सुबह उठ के सब पानी पीते हैं, तो मैं भी पानी पीऊँगी, और मेरी रूटीन है, मैं बचपन से ही सुबह उठ कर पानी पीती हूँ और अभी भी मैं पानी पीती हूँ। हर रूटीन में आप लोग, हर व्लॉग में शायद आप लोगों ने देखा, मेरा पानी मस्त होता है। तो अभी पानी मेरा फिनिश हो चुका है, कुर्सी में अपने पीछे कर लूँगी, और अब मैं ये रख के आके फिर आप सब मिलती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ रख के, अभी मैं बनाऊँगा बाल, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक ब्रश है, और मैं ये पोनी या जूड़ा पोनी बनाऊंगी सबसे पहले, तो ठीक है ऐसे, और फिर उसके बाद जूड़ा बांध दूंगी, ठीक है। तो ये मेरी पोनी बन चुकी है, फिर जूड़ा बांध दूंगी, लेकिन ये आ गई। One eternity later. तो अभी मैं बात लेने के बाद ही आपसे मिलूंगी, ठीक है। तो बाय बाय। सो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे, और मैंने मतलब जहाँ पर मैं थी ना, मैंने अपनी बड़ी मम्मा से बेबी कट करवाया, कितनी प्यारी लग रही हूँ। और मम्मा ने, अभी मैं घर आई तो मैंने कपड़े वपड़े चेंज करे, नहाए, उसके बाद नहा तो मैं वहाँ से आई थी नहा के, फिर मैंने कपड़े चेंज किया के, और अभी मम्मा ने हेयर स्टाइल पता नहीं बना दिया, और आई एम रेडी। तभी हम जाएंगे चर्च, तभी आप लोगों को आउटपुट ऑफ द डे। तो ये है मेरी शर्ट वाइट कलर की, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है अभी, और ये मेरी ब्लैक कलर की पैंट है, और नीचे वाइट कलर के शूज़ हैं जिसके आप लोग देख सकते हैं। और ये शर्ट तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी, माई फेवरेट शर्ट। तो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ अपने चर्च से, अभी हम आ चुके हैं चर्च से। तो अभी हम कुछ खाना पीना करेंगे, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं किया था, आपने देखा था वहाँ पर भी मैं पानी शानी पी लिया था और नहा लिया था बस। तो अभी हम नाश्ता वाश्ता करेंगे और मज़ा करेंगे, आज वैसे भी संडे। सो गाइस, अभी मैं खाऊंगी खाने में, नाश्ते में ब्रेकफास्ट लंच दोनों है। तो इसमें हमारे पास है पराठा डोन का, और साथ है आलू पालक, और साथ है हमारे पास पराठा, और साथ है हमारे पास चाय, तीन पराठे तीन चाय, एक मेरे बड़े भाई की, एक मेरे छोटे भाई की, एक मेरी, हम तीनों की चाय है और तीनों का पराठा है एक एक। तो सब मिलके खाएंगे, और एम्ब्रस को देखेंगे कैसे बैठा हुआ है। तो अभी मैं आपसे खाने के बाद मिलती हूँ, तभी मैं आपसे खाने के बाद मिलती हूँ। तो मैंने खा लिया खाना, तो अभी मम्मा ने बोला था कपड़े उतार दो, तो मैंने सोचा कपड़े उतार देती हूँ, साथ वीडियो भी बना देती हूँ। अभी कपड़े उतारते हैं, मम्मा का हुक्म जी हुक्म, मेरी माता श्री जैसे डिंग ब्रो,
तो मैंने कैमरा सेट कर लिया। अब एक एक करके सारे कपड़े उतारते हैं और सारे एक साथ लेके जाएंगे। मम्मा ने बोलते यूनिफॉर्म नहीं उतारना, फिर मैंने बोला आगे करके रख देती हूँ अगर यूनिफॉर्म नहीं उतारना। तो फिर मैंने एक एक करके आगे कर रहा है, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हैं मैं एक एक करके आगे कर रही हूँ। तो जिसका आप लोग देख सकते हैं मैं शर्ट ट्राउज़र वगैरह शलवार कमीज सब के कपड़े उतार रही हूँ एक एक करके। तभी आप लोगों ने देखा कि वो क्या नाम है, मैंने कपड़े रखे हैं। मेरी सेकंड टाइम थर्ड टाइम मैं कपड़े रखूँ उसके बाद नहीं रखूँ। ये तो अभी मैं ट्राउजर टी शर्ट सब मिल के निकाल रही थी, सब कुछ निकाल रही थी। इसके आप लोग देख सकते हैं एक एक करके सारी चीज़ें, तभी सब कुछ उतार सक चुका है। और आई एम सो हैप्पी, मतलब सारी शलवार कमीज वगैरह वगैरह, बस यूनिफॉर्म बचा है। तो मम्मा ने बोला था यूनिफॉर्म नहीं उतारना। तो अभी मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ। अपना आप लोगों ने काफ़ी वीडियो में देखा होगा, काफ़ी नहीं मतलब आई थिंक ये मैं पहली बार आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने आईज जमानी की थी। उसके लिए ना सबसे पहले तो आईज लगानी होती है फेस पे, और उससे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है एंड वाइटनिंग भी होती है स्किन, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्किन भी होती है आईज लगाने से, ठीक है। और ये जो ब्लैक हेड जो होते हैं ना, क्या नाम है, हल्के वगैरह, तो ये इसको भी साफ कर देती है, हटा देती है बिल्कुल आईज। तो आईज बड़ी अच्छी है स्किन के लिए, मैं यही लगाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो रही थी सच में, फिर मैंने LED का स्किप किया, मम्मा ने बोला स्किप कर दो, तो फिर मैंने किया स्किप। तो अभी मैं कर लिया अपना स्किन केयर, आई जो है रब कर दिए, थोड़ी सी बची है मैं फेंक दूँगी। जिसका आप लोग देख सकते हैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ देना, इससे ना हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। और जो है इससे ना ये जो ब्लैक हेड होते हैं ना, ब्लैक हेड क्या भी कहते हैं, वो निकलेंगे, ठीक है, मतलब हड़े आएंगे। ये जो हमें काले काले हल्के आए होते हैं ये भी हड़े आएंगे, लिप्स भी ग्लो करेंगे और बहुत ही अच्छा होगा। अगर ये आपके नेल्स पे भी लगा रहे हैं तो आपके नेल्स भी ऐसे मेरी तरह बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं रोज़ाना रात को सोने से पहले वैसलीन लगाती हूँ अपने नेल्स पे। बस सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो जाके लाइक करो और मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में और न्यू कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा बेबी कट अच्छा लगा हो तो जाके लाइक करो। तो बाय बाय।